ये हमारे पास गाड़ी आई थी टाटा एस 2008-09 का मॉडल है सर, ठीक है। तो इसमें ना आपको पता है एयर फिल्टर का, एयर फिल्टर इसका दूसरा आता है, तो इसका ना एयर फिल्टर जो है वो दूसरा आता है, ये आप यहाँ से देख सकते हो। तो इसका ना हमने इंजन ओवरऑल किया, ठीक है, ये आप देख सकते हो इंजन की कंडीशन भी, ठीक है। ये इसका इंजन जो है ओवरऑल किया, और इसका एयर फिल्टर भी यहीं पे फिट होता है पीछे, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये लोकेशन है कुछ उसकी, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे इसका एयर फिल्टर फिट होता है। तो कस्टमर का कहना था हमारा काम जो है वो सीमेंट वाला है, तो इसमें डायरेक्ट कचरा अंदर चले जाता है और गाड़ी का इंजन जो है ज़्यादा देर तक नहीं चल पाता है। हमने इसका क्या किया, इंजन ओवरऑल किया, और इंजन ओवरऑल करने के बाद इसका फिल्टर का हमने इस ऐसे जुगाड़ करके, ये देख सकते हो, ये जुगाड़ करके हमने बाहर फिट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे फिट कर दिया इसका। अभी इसके पीछे ढक्कन लग जाएगा, ये आप देखो जुगाड़ हमारा कैसे है, बढ़िया है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। ये देखो यहाँ से हमने पाइप इसमें वेल्डिंग करके जो हाउस पे अंदर, तो वो पीछे लगा दी इसके। अभी जॉइंट का डालना है इसमें, तो जो ऊपर नलकी है पाइप की जो टाटा एस गोल्ड BS6 में आ रही है अभी, तो उसको हमने वो वाली पाइप हमने लगा दी। तो यहाँ से इसका यो यहाँ से ये खींचेगा, ये वेल्डिंग वाले से हमने बना के फिट कर दिया, ठीक है। तो कैसा हमारा रहा हमारा जुगाड़, ये इसका एयर फिल्टर जहाँ बाहर फिट कर दिया इसका, ठीक है। तो ये इसका जो पाइप दूसरे वाला लगा दिया हमने बाहर से हवा खींचने के लिए, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, क्लंप टाइट करके बिल्कुल ओके कर दिया है ना। तो वो वाला जॉइंट अब डाल देंगे नया, तो क्लंप लगा के टाइट कर देंगे और पीछे से उसका ढक्कन जो है बंद कर देंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो ये हम इसमें इसका इंजन ओवरऑल करते वीडियो है हमारे पास, ये हम थोड़ी बीच में जॉइंट कर देते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जुगाड़ जो हमने किया है, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में कमेंट कर देना, और अगर कहीं हमारी इसमें गलती है तो वो भी आप हमें बता सकते हो। बाकी ये इसमें फ़िल्टर न्यू डाल दिया, ये बॉडी पूरी असेंबली फिट कर दी, हो इसकी हाउस पैप भी फिट कर दी है, ये नीचे वाली, ये ऊपर वाली, ये अंदर को जा रही है जो इनलेट के साथ, ठीक है, ये देख सकते हो आप। वहाँ से अभी हमने क्लंप लगा के इसको टाइट कर देना है। अंदर और इधर।